समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में आरटीओ कार्यालय के निकट एक मैरिज हॉल में आयोजित खेत खलियान कुटीर उद्योग बचाओ रोजगार किसान नौजवान पटेल यात्रा के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पहुंचे, जिसकी अध्यक्षता सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद शाहनी तथा संचालन महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम ने किया। इस दौरान सपाइयों ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को चांदी की साइकिल व मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे किसान और नौजवान एवं गरीब व्यक्ति परेशान है। उन्होंने कहा, डीजल पेट्रोल बिजली दवा गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि सरकार ने 90 दिन के अंदर महंगाई पर नियंत्रण करने का वादा किया था, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई है तथा 2 करोड़ किसान सरकार से याचना कर रहे हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दो। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्रय केंद्र खोले गए, लेकिन केवल 8% धान गेहूं की खरीद हो पाई तथा 92% किसानों को बिचौलियों के जरिए धान गेहूं बेचना पड़ा। उन्होंने कहा, सभी कार्यकर्ता बूथों तक जाएं तथा अखिलेश सरकार में किए गए कार्यों को जनता के बीच बताएं। उन्होंने कहा, 2022 में प्रदेश में सपा सरकार बनेगी तथा नौजवानों को रोजगार व किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिलेगा एवं प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इस अवसर पर सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी, जियाउल इस्लाम, अखिलेश यादव, अखिलेश कटियार, संतोष यादव शनि, जगदीश यादव, डॉक्टर मोहसिन खान, अवधेश यादव, प्रहलाद यादव, विजय बहादुर यादव, रजनीश यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पूरे देश में किसान सरकार से याचना कर रहे हैं।
यहाँ पे एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसकी लागत कितनी है? आपको गेहूं का लागत मूल्य, धान का लागत मूल्य, गन्ने का लागत मूल्य, दलहन तिलहन का लागत मूल्य बहुत बढ़ गया। जब लागत मूल्य बढ़ गया तो सरकार अगर तय करती है उनका मूल्य, तो सरकार उनको दिलाए। अभी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद हुई थी, गेहूं की खरीद हुई, कुल 8% किसानों का धान गेहूं लिया गया। आपके बस का कुछ नहीं, आपके बस का केवल उद्योगपतियों को मालोमाल करना है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा आर्थिक विषमता है और हमारा उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर जमाने में बहुत खराब हो, हत्या डकैती लूट अपहरण की घटना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चियों के साथ दुष्कर्म जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, गोरखपुर भाईचारा और इस देश के अंदर आर्थिक अपराध की जो लूट होती थी वो अखिलेश यादव जी ने दुरुस्त की। आज भारतीय जनता पार्टी के जमाने में कोरोना के नाम पर इस्लाम की क्या